आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं मॉड्यूल बी का, और टॉपिक का नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक हमारे लिए कम से कम 3 मार्क्स का आ सकता है जो 15 मिनट में तैयार होगा हमारा। आप 15 मिनट में पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज उसको सुनिए, आपके हो सकता है 2 से 3 मार्क्स श्योर हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप लिखा हुआ है। अब हमारा जो बिजनेस है या बैंकिंग बिजनेस है उसमें 2 ही लोग हैं, एक बैंक है और एक कस्टमर है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कस्टमर कौन है। क्या कस्टमर वो है जो हमारे वहां एक ड्राफ्ट बनाने आता है, या कस्टमर वो है जो हमारे वहां एक चेक जमा करने आया था, या कस्टमर वो है जिसका अकाउंट हमारे पास है, या कस्टमर वो है जो हमसे लोन लेता है, या कस्टमर वो है जो हमारे वहां पे लॉकर सर्विसेज अवेल करता है। तो कस्टमर कौन है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम बैंक और कस्टमर के रिलेशन नहीं जान पाएंगे। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कस्टमरों की सर्विसेज को सेग्रीगेट करना है। आप अगर ये समझ गए किस पर्पज से बैंक में आया है तो उसका क्या रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है, इसीलिए खूब सारे कैटेगरी हैं, इसीलिए आपके सिलेबस में है और आपके लिए मार्क्स सिक्योर करने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको मालूम है कि कस्टमर की डेफिनेशन कौन से एक्ट में लिखी गई है। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। ये डेफिनेशन रेगुलेशन एक्ट के, यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B में लिखा हुआ है कि बैंकिंग मींस, ठीक है। तो बैंकर कस्टमर के रिलेशन के लिए पहले हमें बैंकिंग समझना है। तो बैंकिंग कैसे समझेंगे आप समझिएगा। बैंकिंग के लिए सिंपल आम भाषा में ये परिभाषा दी जाती है बैंकिंग के लिए कि वो जो पब्लिक से या सरकार से या किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसको लोन में बांटता है या वो कहीं इन्वेस्ट करता है, वो बैंकिंग की सर्विसेज कर रहा है। उसके साथ वो आपको कई सारी और सर्विसेज देता है, जैसे ड्राफ्ट यानी कि रेमिटेंस सर्विसेज, फॉरेक्स की सर्विसेज, आपको कंसल्टेंसी की सर्विसेज। तो वो बैंकिंग की डेफिनेशन जो है, जो हम बात कर रहे थे कस्टमर की डेफिनेशन कहाँ है, कस्टमर की डेफिनेशन कहीं नहीं है, कस्टमर की डेफिनेशन कहीं नहीं है, लेकिन बैंकिंग की डेफिनेशन कहाँ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के एक्ट के सेक्शन 5 में दिया हुआ है बैंकर कौन है, बैंकिंग क्या है। तो बैंकिंग में देखिए, मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा उसमें वो होगा, ठीक है। बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो इसमें क्या मतलब, सभी कुछ ले लिया भैया, पैसे जमा करना, जमा करने के बाद वापस करना, और वापस कैसे करना, किसी भी तरीके से, और अदरवाइज लिख दिया। तो ये बात तो होगी बैंकिंग की, ठीक है। अब कस्टमर की जब बात आते हैं तो कस्टमर में क्या आता है, कस्टमर की डेफिनेशन कहीं एज सच नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी कुछ मार्केटिंग के लोगों ने बैंक कस्टमर को डिफाइन किया हुआ है। जैसे इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है ये देखिए, द टर्म कस्टमर ऑफ ए बैंक इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ, कि कहीं पे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आप ये नाम देख लीजिए, सर जॉन पेगेट। सर जॉन पेगेट ने बोलते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कस्टमर देयर मस्ट बी सम रिकॉग्नाइजेबल कोर्स और हैबिट ऑफ डीलिंग इन द नेचर ऑफ रेगुलर बैंकिंग बिजनेस, यानी कि रेगुलर और हैबिचुअल होना चाहिए। यानी एक एस्पेक्ट निकल के आया, कस्टमर वो है जो रेगुलर आता हो, एक दिन ड्राफ्ट बनाने आ गया तो शायद वो कस्टमर नहीं है,
तो रेगुलर हैबिट होनी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन देखिए आती है जो इनमें नाम लिखा हुआ डॉक्टर हार्ट। डॉक्टर हार्ट, कस्टमर इज वन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंकर और फॉर हुम बैंकर हैबिचुअली अंडरटेक्स टू एक्ट एज सच सपोर्टिंग दिस व्यू पॉइंट। तो ये एक डिसीजन आया, उसमें आया, उसमें बोला ब्रॉडली, देखिए कोर्ट ने क्या कहा, ब्रॉडली स्पीकिंग अ कस्टमर इज अ पर्सन हु हैज द हैबिट ऑफ रिजॉर्टिंग टू द सेम प्लेस और पर्सन टू डू बिजनेस सो फार एज द बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर कंसर्न ही इज अ पर्सन हुज मनी हैज बीन एक्सेप्टेड ऑन द फूटिंग दैट बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर कंसर्न ही इज अ पर्सन हुज मनी हैज बीन एक्सेप्टेड ऑन द फूटिंग दैट बैंकर विल ऑनर अप टू अमाउंट स्टैंडिंग हिज क्रेडिट रिस्पेक्टेबल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी बंदा जो हैबिचुअल हो आपकी सर्विस लेने के लिए, एक बार में आने से नहीं होता। अब बात आती है अकाउंट होल्डर और कस्टमर है, बिल्कुल है। अकाउंट होल्डर क्या है, कई सारे कनेक्शन हो गए, आप उसको SMS भेजते हैं, वो आपको चेकबुक लेता है, कुछ करता है, आपको विजिट करता है, विड्रॉल करता है, डिपॉजिट, ठीक है। केवल एक बार ड्राफ्ट को बनाने आगे वो कस्टमर नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। अब आगे बोलता है कि इसमें एक आस्पेक्ट है KYC का आस्पेक्ट। तो अभी बात करते हैं कस्टमर के, कहीं लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन KYC क्या कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ KYC पॉलिसी के लिए, पर्पज ऑफ KYC पॉलिसी के लिए कस्टमर को डिफाइन किया गया। तो ये बोलते हैं पहले पॉइंट पे, कस्टमर क्या है, पर्सन और एंटिटी। पर्सन और एंटिटी का मतलब चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई बिजनेस हाउस, पर्सन हो या एंटिटी हो, पहली बात कस्टमर को डिफाइन करने के लिए पहली बात ये आ गई, ठीक है। बोलता है कि मेंटेन एन अकाउंट, एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, और बोलता है हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। तो दो बातें आ गई, या तो अकाउंट मेंटेन करे या बिजनेस रिलेशनशिप। तो बिजनेस रिलेशनशिप से मतलब क्या है, हो सकता है वो आपके पास अकाउंट तो मेंटेन नहीं करता लेकिन रोज एक 10,000 का ड्राफ्ट बनाने आता है, तो उसका बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है। या हो सकता है अकाउंट मेंटेन नहीं किया, आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता हो, तो कोई भी ऐसा जिसकी कैसी रिलेशन हो आपके साथ, बिजनेस रिलेशन हो, अकाउंट मेंटेन करे या ना करे। तो दो बातें निकल के आ गई यहां पर, तो पर्सन एंटिटी कोई भी हो। दूसरी बात बोलता है कि हूज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन, एक बात, एक तो खुद हो गया, ऑन whose behalf, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी के बिहाफ पे कोई बंदा अगर आता है तो वो बंदा तो नहीं लेकिन वो बंदा जिसके लिए आता है वो भी कस्टमर है, ठीक है। तीसरी बात बोलता है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरी सच एज, अब मान लिया स्टॉक ब्रोकर। तो हम लोगों ने पहले लेसन में आपको बताया है कि स्टॉक ब्रोकर आर कौन, इंटरमीडियरीज, स्टॉक ब्रोकर कौन है, इंटरमीडियरीज हैं, और हम लोग उनके लिए काम करते हैं, जैसे डीमेट सर्विसेज के थ्रू उनका हम लोग पैसा काट करके उनको देते हैं वो लोग, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर इंटरमीडियरीज कहते हैं। तीसरा बोलता है कि ऐसा है कोई जैसे स्टॉक ब्रोकर है या स्टॉक ब्रोकर के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट है, तो चार्टेड अकाउंटेंट भी कई बार क्या होते हैं, कस्टमर, ये हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बिहाफ पे हमसे रिलेशन रखते हैं। एक बोला सॉलिसिटर्स, या कोई सरकार ने कोई नियुक्त कर दिया किसी को तो वो भी हमारे लिए कस्टमर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है कि ऐसा कोई जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है कैन पोज, अब देखो यहां पे कैन पोज फाइनेंशियल रिस्क, कि उसके काम करने से हमें कोई कोई फाइनेंशियल रिस्क होता है, फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा होता है, तो वो भी हमारे लिए कौन है, कस्टमर है, ठीक है। अगला बोला इसने कुछ हमारे ऐसे हैं जो वायर ट्रांसफर करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं,
तो ये भी उन्होंने बोला हुआ है कि ये भी कस्टमर कहते हैं, और इश्यू ए हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट एज ए सिंगल ट्रांजेक्शन, की कभी कभी वो एक ही बार में 5 करोड़ का ड्राफ्ट बनाने आ गया। उन्होंने बोला एक बार कोई 10,000 का ड्राफ्ट बनाने कुछ नहीं, लेकिन कोई हाई वैल्यू का बनाने आया, जिसके वजह से हमें क्या हुआ, फाइनेंशियल रिस्क है, पता नहीं वो ड्राफ्ट बनाएगा डुप्लीकेट होगा नहीं होगा, डबल पेमेंट हो जाएगा, कई सारी बातें, फ्रॉड तो नहीं करेगा, 10,000 का ड्राफ्ट 20 का तो नहीं बना देगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बोलता है, दस अ पर्सन हु हैज ए बैंक अकाउंट इन हिज नेम और एंड फॉर हुम द बैंकर अंडरटेक्स टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, जिसका अकाउंट है या उसकी उसके बिहाफ पे कुछ फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो जिसके बिहाफ पे करते हैं वो हमारे लिए कौन है, कस्टमर है। अब इसमें लास्ट एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द हिज डीलिंग विद द बैंकर मस्ट बी, देखिए, हिज डीलिंग विद द बैंकर मस्ट बी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी क्या बोल दिया उसने, बिजनेस और बैंकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, जो फुलफिल करती हूँ, जैसे बैंक अकाउंट है तो किसी तरह का बैंक अकाउंट हो, या क्या कहता है, डीलिंग बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर मस्ट बी ऑफ द नेचर ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ये होना चाहिए, दोनों बातें इसमें जरूरी हैं, वो होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसमें जो है कस्टमरों में, कि कोई पर्सन, जैसे हमने बताया कि कोई पर्सन या एंटिटी, तो जरूरी नहीं कोई पर्सन हो, कोई एंटिटी भी हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेक्शन 45ZA, आपको पता है कि 45Z जो सेक्शन है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो कई जगह कोट किया जाता है, ठीक है, उसे बोलता है कि क्लैरिफाइज दैट द सेक्शन कस्टमर इंक्लूड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ए कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर एनी लॉ, तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या सरकार खुद भी एक कस्टमर हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, बैंकिंग समझ लिया हमने, अब हमने कस्टमर समझ लिया, दोनों समझ लिए, अब हमें इनके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा, लेकिन सबसे पहले जब से हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग क्या है, कौन बैंकिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहाँ लिखा है, कौन से एक्ट में लिखा है, और उनके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, ये मैंने बोर्ड पे पूरा लिख दिया। वन बाय वन हम इसको पढ़ते, देखिए ए बी सी डी ई एफ आपके बुक में लिखा हुआ है, ए बी सी डी एफ, मैंने इसको छोटा करके आपको समझा रहा हूं, देखिए कैसे। सबसे पहले बोला है कि बैंकर क्या है, उसके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताए रहे हैं। पहला आस्पेक्ट है ओनली कंपनी, यानी केवल एक कंपनी ही बैंकिंग कर सकती है, या कोई फर्म कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो फर्म, यानी कि प्राइवेट फर्म है, वो भी बैंकिंग कर सकती है, उसमें 10 से ज्यादा के मेंबर नहीं होने चाहिए, एक बात। दूसरा, कंपनी कौन है, कंपनी जो कि डिफाइंड है किसमें, कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, वो कंपनी है, ठीक है। दूसरा आस्पेक्ट है नो इंडिविजुअल कैन बैंक टर्म, यानी बैंक नाम के शब्द का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता, किस काम के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। अब बोला हुआ है कि बैंकिंग कंपनी जो है उसको अथॉरिटी कहां दी गई है करने के इस्तेमाल, वो कहता है 5C में दी गई है, बैंकिंग कंपनी को अथॉरिटी इस्तेमाल करने की कहां दी गई है, 5C में दी गई है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए सेक्शन 7(1) कहता है कि बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 7 आपको ऑथराइज करता है क्या करने के लिए, कि आप बैंकिंग कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है अदर देन बैंक, कोई भी इसको इस्तेमाल कैन नॉट है, यहां पर बैंकिंग कंपनी काम कर सकती है, यहां पर कि बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी ये काम नहीं करेगा, यहां लिखा हुआ है, यानी कंपनी तो होगी लेकिन वो कंपनी बैंकिंग ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी कंपनी का, ऐसा नहीं है, सबसे पहले कंपनी को अपने आप को बैंकिंग कंपनी डिक्लेयर कराना होगा, वो कराने के बाद वो करेगी। और सेक्शन 7(2) में बोला गया है कि कोई भी इंडिविजुअल कैन नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकता बैंकिंग शब्द का, ठीक हो। सी पार्ट बोलता है कि मनी लेंडर को कभी भी हम बैंक नहीं बोलेंगे, मनी लेंडर आर नॉट बैंकर्स, मनी लेंडर्स आर नॉट
बैंकर्स, ठीक है। डी क्या कहता है, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट। देखिए हमको पता है कि एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, लेकिन एक खास फीचर है कि वो डिपॉजिट आप किस लिए कर रहे हैं। देखिए एक्सेप्टेंस डिपॉजिट काहे के लिए, किन से, पब्लिक से। तो एक कोई केस का जिक्र किया हुआ, उसमें कोई ट्रस्ट का पैसा जमा करना था, तो वो उसके बैंक के मेंबर नहीं थे, बैंक वाले ने मना कर दिया कि हम तो अपने मेंबर का पैसा जमा करेंगे और बैंकिंग कंपनी है, तो उनका केस वो हार गए। बोला अगर आप बैंकिंग कंपनी हैं तो पब्लिक का पैसा जमा करेंगे, चाहे वो आपके मेंबर हैं या नहीं है, ठीक है। फिर बोला इन्वेस्टमेंट, ये जो बोला बैंकिंग करेंगे पैसा लेंगे, वो इन्वेस्टमेंट या एडवांस के पर्पज से, ये जो बंदा आपका पैसा जमा कर रहा है वो किस पर्पज से कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो आप जिसका भी पैसा लेंगे वो व्यक्ति क्या होगा, आपके मतलब व्यक्ति का, पब्लिक का पैसा आप ले रहे हैं किस पर्पज के लिए, कि वो बंदा अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अब आप देखिए एक पॉइंट और रह गया, रिपेबल ऑन डिमांड। ये जो भी पैसा जमा, पहली बात है पब्लिक जमा करेगी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जमा करेगी, और वो रिपेबल ऑन डिमांड, और यानी कि या तो डिमांड से होगा या अदरवाइज किसी भी तरीके से वो होगा। तो ये अब एफ के बाद आता है अगला पॉइंट जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी देखिए जी में बोला हुआ है कि जो भी वो डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट पर्पज से करेगा उसको वो विड्रॉ कर सकता है, मे बी विड्रॉन कैसे कैसे कर सकता है, चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर आपके पास प्रैक्टिकल उसमें आस्पेक्ट में आ जाए कि किसी ने जमा किए वो चेकबुक भूल गया, विड्रॉल भूल गया, पासबुक भूल गया, एटीएम कार्ड नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, आपको आपसे पेमेंट लेने आया, तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि चेक ड्राफ्ट हो या रिटर्न ऑर्डर भी, अगर बंदा सामने खड़ा हुआ है, रिटर्न ऑर्डर भी आपको एप्लीकेशन लिख के दे रहा, तो अभी आप उसका विड्रॉल करेंगे, ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे अब आ जाती है बैंक के फंक्शंस की, बैंक के फंक्शन। तो बैंक हमने समझ लिया, बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है, कौन बैंकिंग इस्तेमाल कर सकता है। जैसे फिर समरी में देख लो, क्वेश्चन पक्का आएगा इसका, 5B में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन है व्हाट इज बैंकिंग, 6 में डिफाइन है बैंक के फंक्शन। बैंकिंग समझ में आ गया कि बैंकिंग क्या है। अब 7A में कौन बैंक का सब इस्तेमाल नहीं कर सकता अदर देन कोई बैंकिंग कंपनी, 7B में इंडिविजुअल नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक 6 है, 6 में फंक्शन। तो बैंक के फंक्शन के लिए मैं, टाइम ज्यादा ना लगे इसके लिए मैं बुक का इस्तेमाल करूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस कवर्ड अंडर सेक्शन 6, तो कहां डिफाइन है ये, सेक्शन 6 में डिफाइन है, डिस्काउंटिंग बिल, रेमिटेंस, हायरिंग सेफ डिपॉजिट जो लॉकर सर्विसेज है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का काम करना और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना, LC इशू करना, कलेक्शन करना और सेफ कस्टडी करना, ये उसके ट्रेडिशनल वर्क है, इंपॉर्टेंट फंक्शन। लेकिन आजकल ये बोला है कि बैंक इन फंक्शनों पर भी काम कर रहा है, क्या बोलता, देखिए वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, सेल ऑफ काइंड ऑफ थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस आजकल बैंक अपने वहां बेच रहा है, एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट सर्विस, ट्रस्टी सर्विसेज करना, जैसे ये आपका प्रोविडेंट फंड वाला है, ठीक है, ये किसी का प्रोविडेंट फंड का मेंटेन कर सकता है बैंक, ठीक। उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस लेना, स्टैम्प ड्यूटी, फ्रैंकिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेडिंग करना, और इसके अलावा फैक्टरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग और डीमैट सर्विसेज। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं आजकल आपके वहां पे यूज होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट में, जिसमें से पक्का पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपका। बेसिक डेफिनेशन हमने बता दी कि जितने टाइप के बिजनेस उनको क्लब करा गया, क्लब करने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करे गए, अपने अपने रिलेशन बनाए गए बैंकों से, ठीक है। तो इसके करने के लिए हम लोग देखते हैं, ये इस चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम इस चार्ट की स्टडी करते हैं और उसको रिमेम्बर करते हैं, मेमोराइज रखते हैं, तो हमारे वो क्वेश्चन हो सकता है वो सही हो जाए। तो देखिए इस चार्ट को करने के लिए सबसे पहले क्या है, देखिए डिपॉजिट कोई बैंक में करेगा तो बैंक डेटर है यानी कर्जदार है, और कस्टमर क्रेडिटर है यानी जिसने कर्ज दिया है। लोन लेंगे तो बैंक उल्टा हो जाएगा और हम भी उल्टे हो जाएंगे। सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी में हमने बेली और बेलर, सेफ कस्टडी में
मेरी, अच्छा लॉकर में लेसर, और देखो एक बात ध्यान रखना, आपको ये रटना हो तो जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं उनके रटना आप पहले, ठीक है। मैं देखिए कहां का टिक लगा रहा हूं, देखिए एक लगा रहा हूं मैं बेली पे टिक, इस पे एक मैं लगा रहा हूं ट्रस्टी पे, ठीक है, और एक हाइपोथेटिक। ये है ई वाले, ठीक है, और बाकी है आर वाले। आप एक बार ध्यान रखना, ये पॉनर में ओ आर नहीं होता है, तो ओ आर वाले एक साइड मान के चलो, तो आप या तो ओ आर वाले याद करिए या डबल ई वाले। अगर आप डबल ई वाले याद करते हैं तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, ओ आर वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो तीन हो गया। अब मैं यहां पे आपको फर्क बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ कस्टडी एंड लॉकर। सेफ कस्टडी में आर्टिकल नोन होते हैं, सेफ कस्टडी में आर्टिकल क्या होते हैं, नोन होते हैं, जबकि लॉकर में आर्टिकल जो होते हैं वो अननोन होते हैं। ये मैंने लिख दिया, देखिए सेफ कस्टडी में आर्टिकल नोन है, जैसे स्क्रिप्ट रखनी है, मान लिया आपकी रजिस्ट्री है, आप लॉकर में रख के कहीं उसको चढ़वा के रखना चाहते हैं, अपने मार्कशीट रखना चाहते हैं, तो बैंक ये भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, उसके कुछ चार्ज लेता है, स्क्रिप्ट चढ़ाता है, ठीक है। लॉकर में अननोन चीजें होती हैं, और लॉकर में जो रिलेशन होता है, देखिए दोनों में देख लीजिएगा, उसमें बेली है, बेलर है, इसमें लेसर है, या उसको लाइसेंसर भी कहते हैं, उसको लाइसेंसर भी कहते हैं, और ठीक है लाइसेंसर, और यहां लेसी की जगह पर लाइसेंसी हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ चेक में एजेंट है, कलेक्शन ऑफ चेक में क्या है, एजेंट है। उसके बाद देखिए ये प्रिंसिपल है, कौन, जिसका चेक है, हम उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। परचेज ऑफ ड्राफ्ट में, जब हम कहीं ड्राफ्ट करते हैं तो बैंक कर्जदार है, क्यों, क्योंकि पब्लिक का पैसा हमने ले लिया, और पब्लिक का पैसा ले लिया और पब्लिक को पैसा वापस करेंगे हम फ्यूचर में, तो करेंगे मींस हम कर्जदार हैं, और बैंक कस्टमर क्या होगा उसमें, क्रेडिटर होगा, ठीक है। प्लेज, ये प्लेज का ई आर और इसका डाउट होता है, याद रख लीजिए, मेरे स्टेटमेंट अपने कानों में डाल लीजिए कि प्लेज वाले में ये पी वाला है, प्लेज पी वाला का पी पी पी, ये ध्यान रखिए इसका सब कुछ पी है, प्लेज पॉनर प्लेजी पॉनी प्लेजर, ये ई आर है, ये ओ आर नहीं है, इससे ध्यान रखिएगा। मॉर्गेज में मॉर्गेजी मॉर्गेजर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से मतलब है कि कस्टमर ने आपसे बोला वो मेरे हर महीने 2000 रुपए आप LIC ऑफ इंडिया को भेज दें, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो क्या है, प्रिंसिपल कस्टमर है, हम उसके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शंस नॉट गिवन फॉर डिस्पोजल, जब कोई पैसा ऐसा है कि अभी उसका क्या करना है ये नहीं पता, लेकिन रख लो, ट्रस्टी बैंक उसमें ट्रस्टी होता है, बैंक एज ए ट्रस्टी उस बंदे का पैसा रखता है, ठीक है, अच्छा। और जिसका पैसा होता है वो बेनिफिशियरी, हमने कई वीडियो लेक्चर्स में अपने क्लासेस में बताया हुआ है कि ट्रस्ट जो होता है, जिन लोगों का पैसा लगा होता है वो बेनिफिशियरी होते हैं, जो उसको मेंटेन करते हैं वो ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। आगे आर्टिकल लेफ्ट बाई मिस्टेक, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल लेफ्ट बाई मिस्टेक, तो आर्टिकल लेफ्ट बाई मिस्टेक में क्या है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, यानी ये अननोन है, हमें पता नहीं क्या है, किसका है, कौन लेगा इसको। शेयर्स गिवन फॉर सेल, एजेंट, जो हम लोग शेयर्स बेचते हैं किसके बेचते हैं, कस्टमर यानी कंपनी, कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, और हाइपोथिकेशन में हाइपोथेटिकली और हाइप, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा याद करने के लिए लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, जरा देखिएगा, बी बेली पहला कॉलम लिख रहे हैं, ठीक है, बेली के बाद मेमोराइज करिए, दूसरा है हमारा ट्रस्टी, ठीक है, फिर क्या देखिए, प्लेजी, ठीक है, डीबीआई में, और पहली बार मॉर्गेजी, और फिर ट्रस्टी एक बार आ गया है, और फिर क्या, हाइपोथेकेटी,
ठीक है। अब इनको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बी पी टी एम एच, आपको ये पता है, सुना होगा आपने एच एम टी, सुना है ना एच एम टी, और दूसरा क्या है बी पी, बी पी एच एम टी, इनको आप याद रखना। और इसमें एक नाम हमने बताया था कि जो ई आर वाला जो हमने बताया था वो ई आर वाला, बाकी सारे क्या हैं, इधर ओ आर आएंगे, सारे इधर सारे ओ आर आएंगे। बेरी कौन है बताइए, अभी बताया था ना बेरी, एक बताया था डिपॉजिट लॉकर और एक बताया था सेफ कस्टडी, तो इसमें सेफ कस्टडी जो है वो बेली का है, किसका है। इसमें मैं टाइम क्यों लगा रहा हूं पता है, आपका नंबर एक मार्क्स कम से कम पक्का है, हो सकता है दो भी आ जाए, ऐसे मार्क्स आपको पक्के करने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं किसी, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा इसको करेंगे, और एक इसमें रिलेशंस में और आता है इंडेमनी फायर एंड इंडेमनी फाइट, इंडेमनी फायर और इंडेमनी फाइट। देखो जब हमारा कोई ड्राफ्ट खो जाता है, ड्राफ्ट या एफडी खो जाती है, तो डुप्लीकेट जब हम लेने जाते हैं तो हमें क्या है, हमें डुप्लीकेट के लिए अपना वो लिख के देना पड़ता है सारा, तो उसमें क्या है इंडेमनी होल्डर जो है जिसके पास वो कागज रखा जाता है, बैंक होता है, बैंक जो कि उस इंडेमनिटी को रखता है होल्डर, और उसी को हम लोग इंडेमनीफायर भी बोलते हैं, यानी ये वाला, यानी ये क्या हो गया हमारा होल्डर भी है, और दूसरा क्या है इंडेमनीफाइड, कौन इंडेमनीफाइड हुआ वो है कस्टमर, क्या होता है कस्टमर इज इंडेमनीफायर, बैंक इज इंडेमनीफाइड, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया है, कैसे बताते हैं, एक चीज और रह गई है वो सुन लीजिए, एक वर्ड और आता है इंडेमनीफाइट, इंडेमनिटी फायर, इंडेमनीफायर कौन होता है कस्टमर होता है, इंडेमनिटी इंडेमनी करने वाला, इंडेमनिटी एग्जीक्यूट करने वाला वो है हमारे लिए कौन कस्टमर है, और जिसको बैंक को बोलता है कि ये ड्राफ्ट अगर दोबारा पेमेंट होगा तो इसको मैं पेमेंट करूंगा, उस कंडीशन में बैंक इंडेमनीफाइड होता है और इंडेमनिटी को भी रखने वाला कौन होता है बैंक होता है। तो ये आज हमने कवर किया, क्या कवर किया फिर एक रैपअप लेते हैं हम लोग, हमने कवर किया बैंक शब्द, बैंकिंग, बैंकर, बैंकिंग कंपनी, कौन इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन कर सकते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, बैंक के फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से काम करता है बैंक, अच्छा कस्टमर के बारे में बताया, कस्टमर कौन है हमने बताया, कहीं विशेष रूप से डिफाइन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ बिजनेस रिलेशन वाले लोग बताए जो फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, हैबिचुअल होते हैं वो कस्टमर होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं, उनको यूज करने के लिए हमने उनकी अलग अलग पहचान बना रखी है, हमने बोला एच एम टी, देखिए याद करिए अभी आपके सामने खड़ा हो गया मैंने वो लिखा हुआ छुपा दिया, बी पी एच एम टी,
एचएमटी का मतलब क्या है? एचएमटी सबको पता है, बीपी सबको पता। तो क्या देखिए, एचएमटी हाइपोथिकेशन मॉर्गेजी ट्रस्टी और बीपी बेली लेजी। तो ये कहां कहां होते हैं? एक नंबर पक्का, ठीक है? आप लोग आगे के लिए इंतजार कीजिए।